सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉर्बियस मूवी के बारे में और मॉर्बियस मूवी से रिलेटेड कुछ नई डिटेल्स के बारे में। सो अभी हाल ही में मॉर्बियस मूवी के जो डायरेक्टर हैं यानी कि डैनियल एस्पिनोशा, उन्होंने मॉर्बियस मूवी को काइंड ऑफ स्पॉइल कर दिया है। मॉर्बियस मूवी बहुत ही ज्यादा डिले हो रही है और इस मूवी का रिलीज डेट जनवरी 2021 है। अगर स्पाइडरमैन नो वे होम और वेनम 2 डिले नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है ये मूवी जनवरी में ही निकले, पर अगर स्पाइडरमैन नो वे होम डिले होती है तो ये मूवी फरवरी या मार्च तक शिफ्ट हो सकती है। तो मॉर्बियस मूवी के डायरेक्टर से एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि जब आप मॉर्बियस के सेट पे थे तो आपको कैसा लग रहा था और आपकी फीलिंग्स कैसी थी। तो उन्होंने बेसिकली कहा, इट यूजुअली फील्स स्ट्रेंज बिफोर द डे बिगिंस व्हेन यू लुक एट द शेड्यूल एंड स्टैंड ऑन द सेट योरसेल्फ। व्हेन यू वॉक अराउंड द रिकॉर्डिंग लुक्स जस्ट लाइक अ स्वीडिश प्रोडक्शन, बट व्हेन यू लुक एट द शेड्यूल एंड रीड नेम्स लाइक माइकल कीटन, जैरेड लेटो एंड टॉम हार्डी, देन इट फील्स कूल एंड वेरी एक्साइटिंग। तो यहाँ पर बेसिकली मॉर्बियस मूवी के डायरेक्टर ने ये कहा कि मॉर्बियस मूवी के शेड्यूल में माइकल कीटन, जेरेड लेटो और टॉम हार्डी, इन तीनों का नाम लिखा हुआ रहता था। इसका मतलब ये कि टॉम हार्डी भी हमें मॉर्बियस मूवी में दिखने वाले हैं। जेरेड लेटो तो इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं यानी कि मॉर्बियस का। इसके अलावा माइकल कीटन के वल्चर को हमने मॉर्बियस के ट्रेलर्स में देख के रखा है। इसके अलावा अब डायरेक्टर ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में हमें टॉम हार्डी का वेनम भी दिखने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि सोनी अपने यूनिवर्स को और आगे बढ़ा रहा है और मॉर्बियस की मूवी में भी हमें वेनम 2 के बाद वेनम देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि शायद वेनम 2 में वेनम और कार्नेज की लड़ाई में शायद वेनम जीत जाएगा और एडी ब्रॉक जिंदा बच जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी रूमर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जब कार्नेज जेल से भागेगा वेनम 2 में तो उसी जेल के अंदर माइकल कीटन भी होंगे, इसके अलावा मॉर्बियस भी होगा, जिसके कारण वेनम 2 से मॉर्बियस डायरेक्टली कनेक्ट होगी। इसके अलावा अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ऐसे भी चांसेस हैं कि हमें स्पाइडरमैन का भी एक छोटा सा कैमियो वेनम 2 में दिख सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो सोनी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जैसे अपने स्पाइडरवर्स को क्रिएट कर रहा है, जहां पर वो एक मूवी को दूसरे मूवी से कनेक्ट कर रहा है। वेनम 2 के बाद और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद आई थिंक सोनी का यूनिवर्स भी काफी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा। और मॉर्बियस के बाद सोनी के यूनिवर्स में क्रेवन द हंटर की मूवी आने वाली है और हो सकता है उस मूवी में भी हमें वेनम और मॉर्बियस जैसे करेक्टर्स देखने को मिले। क्रेवन द हंटर के लिए एरन टेलर जॉनसन को कास्ट किया गया है, जिन्होंने एमसीयू में क्विक सिल्वर का रोल प्ले किया था। इसके अलावा कुछ महीनों पहले मॉर्बियस मूवी के एक एक्टर टायरिस गिब्सन ने, जिनको कि आप फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी से जानते होंगे, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था कि मॉर्बियस मूवी एमसीयू का हिस्सा है और उसी यूनिवर्स का हिस्सा है जिस यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सोनी जो अपना स्पाइडरवर्स बना रहा है वो लूजली एमसीयू से भी कनेक्टेड हो। इसके अलावा एमसीयू भी स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को अपने मूवीज में यूज कर पाएगा। तो आप मुझे कमेंट्स बताओ आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इस न्यूज को सुनने के बाद। इसके अलावा कल व्हाट इफ की सीरीज का पहला एपिसोड ड्रॉप हो रहा है, तो उस एपिसोड से रिलेटेड कल आपको काफी सारे ब्रेकडाउन वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप लाइव स्ट्रीम्स को भी जरूर ज्वाइन करना और ब्रेकडाउन वीडियोस को भी जरूर देखना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।